मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो राउंड टू हेल के जैन वसीम नाजिम ने बताई मुराबत से लेकर यूट्यूब की जर्नी, इन शॉर्ट राउंड टू हेल का इंटरव्यू बाय दैनिक जागरण। तो यस, मैं भी जानना चाहती हूँ मोर अबाउट देयर लाइफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम, मैं वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। नॉर्मली नहीं घूम सकते आप, अब थोड़ा देख के जाना पड़ता है। बताओ लड़की बाजी लड़की पहले बात नहीं करती थी, अब हम बात नहीं करते। गाली को कैसे लिखेंगे, तेरी कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? हुकुम मेरे आका। 50 रुपए का ओवर एक्टिंग का। एक मंथ सही है हमारे। बैरियर तोड़ दिए, ऑडियंस ऊपर तक आ गई। एकदम घातक फैन है अपने। पैसा बहुत है दीपिका पादुकोण, बहुत तुम्हारे कारण पसंद है। कोई शादी थोड़ी कर ली मैंने। आप चांद पे भी चले जाओगे ना, वापस घर जाओगे तो वही रहेगा। घर तो सेम, कोई चेंज नहीं है घर पे, सब सेम। आसपास के हाँ थोड़ा आसपास चेंज आता है, लेकिन यार दोस्त तुम्हें कभी चेंज नहीं आएगा। वो भाई आज भी ऐसी ट्रीट करेंगे, ऐसे ही मिलेंगे नॉर्मल। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। पहले हो सकते थे, अब हम सकते हैं। पहली चीज देखो, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, बहुत ज्यादा लेजी है तीनों। रात भर फोन पर पबजी और दिन में सोते हैं, है ना। लेकिन लेट आने का कारण ये नहीं है, लेट आने का जो कारण है, वीडियो एक लानी है मंथ में, लेकिन लानी ऐसी है कि रिकवर कर जाए सब कुछ। वो नहीं है जल्दी जल्दी कंटेंट देना, अच्छी लानी है वीडियो, ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया। हाँ कुछ भी डाल दिया, लेट आओ मगर कुछ ऐसा लाओ जो कि पब्लिक कहे कि हाँ वाकई में वीडियो थी। अलादीन का ऐसा था, जैन मेरे पास आया था घर, है ना। मूवी आ रही इसको कभी कभी सुनो, इसको जो होते हैं सपने आते हैं, यदि लाइक चूचे को कब सपने आते हैं ना उसमें, तो ये सपने बताता रहता है कि यार ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होगा ये वैसे। हम करते हैं ट्राई, तो उस पर लिखा हमने, मिल गए, लिखने के बाद डाल दिया, वो हिट गई। हमारा अलादीन जो था वो लो बजट था, तो जो है उसको कोई सी भी बड़ी चीज मांगोगे तो उसका इतना बजट नहीं था कि दे सके। तो उस वीडियो की खासियत ही इन पे थी पूरी। इनको पॉइंट आउट किया गया था कि जिन कैसा होना चाहिए वो तो दे देता है, ये लेंगे लेते नहीं उसमें। मैं ये घिस देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे ही निकल लियो तुम। चलो 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 लो। हुकुम मेरे आका, जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। चल बे, उठ ले गया। पहले पजामे में रहते थे, घर में रहते थे तो पजामा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब बाहर निकलते हैं तो जीन्स पे आ गए, बस यही है मेजर चीज। बाकी लोग थोड़ा पसंद करते हैं, कुछ दिक्कतें भी आई हैं, जैसे कि मॉल में जाते हैं कहीं शॉपिंग करने तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कभी कभी। मतलब प्राइवेसी एक तरह से वो नहीं रही जैसे पहले थी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं कि इतने लोग मिलते हैं। सेल्फी वेल्फी एकदम चौड़े में वो भी। मेरी लाइफ में चेंज यही आया है कि मुझे जो है थोड़ा सा इसका पहनने का हो गया है, और अच्छे लोगों में जैसे बैठता हूँ अब तो उसका पता चल गया है कि कैसे किसके साथ बैठना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। मेरे को ये सबसे ज़्यादा चेंज है मेरे लिए। देखो चेंज भाई कोई एक चेंज नहीं आया है, मैं बताऊँ ये लोग एक एक चेंज बता रहे हैं। मैं बताने बैठ गया तो इंटरव्यू लंबा खिंच जाएगा, इसलिए चेंज बहुत आते हैं। वो छोटे छोटे चेंज होते हैं, बड़े भी चेंज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, मतलब बुरे नहीं अच्छे ही हैं सारे। असल में वो कौन सी वीडियो थी, DSLR वाली थी ना? हाँ हाँ DSLR, वो DSLR वाली वीडियो हमने बनाई थी एक, और उसके बाद हमने ऐसे छोड़ दिया था कि कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया उस पर ऐसा खास कि छोड़ो इसको, इस टाइप से हो गया था हमारा। तो फिर उसके बाद किसी पेज ने डाल दी थी वो वीडियो। हाँ वो फेसबुक पे पेज चलते हैं ना तो उठा के डाल देते हैं ना, और तो उसके पेज का नाम भी कुछ ऐसे था फोटोग्राफी से रिलेटेड था, तो वो ज्यादा चली वीडियो, लगभग उस पर 2 दिन में 1 मिलियन आ गए थे उस टाइम पे। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार कहीं तो चली, चैनल पे नहीं चली वहाँ तो चली है ना। एक ही बताऊंगा, ओरिजिनलिटी, कॉपी नहीं करना, बिल्कुल ओरिजिनल रहो। जो मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब को कुछ नया दो जो कि यूट्यूब पर ना हो, तभी सक्सेस हो पाओगे। यही मेरा है कि हमने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है तो उसमें कंटेंट यूनिक होना चाहिए आपको, अगर यूट्यूब पर आप आ रहे हो तभी चलोगे। कॉपी है वो भी नहीं चलेगा, मतलब अलग ही होना चाहिए सबसे।
कोई गालियां देके उठना चाह रहा है तो वो कॉपी हो जाएगी। गालियां दो बट उसबे में नहीं दो, सीधी सीधी थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा यूनिक होना चाहिए पहलो से, तभी आप उठ पाओगे। मैं अपनी बताता हूँ पर्सनली, मैं पहले से ही जब छोटा था तो पहले से सोचता आया हूँ कि यार मतलब थोड़ा फेमस नहीं होना, ज़्यादा फेमस होना है, कि ऐसे हाथ उठाए तो भीड़ चिल्ला जाए कोई स्टेज। मैं नाजिम से बताता भी था कि यार ऐसा हो उस टाइप से कि हाथ उठाएं तो शोर मच जाए, ऐसे था पहले से, यूट्यूब से भी पहले। अच्छा हाँ, अब वसीम भाई तुम क्या होते? क्या होते हम? ओखला में होते, ओखला में ही होते, एयर कंडीशन का काम देख रहे होते। देखो वसीम भाई नहीं बताएंगे, वो कभी नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। वसीम भाई ने अखबार बांटी, देखो सीरियसली बात है ना। दूसरी बात, इन्होंने हर तरीके का काम इनको आता है भाई, बहुत टैलेंटेड है, टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। मैं भाई, मैं तो ट्वेल्थ होते ही मैंने तो यहाँ एक क्या है होच खास में कोई अकेडमी है, वहाँ पर मैं ट्रायल वगैरह देख आया, और भी कई जगह फुटबॉल के ट्रायल जहाँ सब जगह फेल हुआ। मेरा मन हट गया था, फेल नहीं हुआ दरअसल, एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कॉलेज ज्वाइन कर, कॉलेज ज्वाइन कर। मेरा कोई कॉलेज करने का ऐसा मन नहीं था, क्योंकि मेरा कोई पढ़ाई में मन ही नहीं था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है। खाली टाइम में ज़्यादातर हम या तो गेम्स खेलते हैं या यही खेलते हैं कि स्क्रिप्ट निकल आए। मतलब हमारी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं है कि प्रॉपर बैठ के लिखे हम, जैसे बात करते हैं घर में या बैठे बैठे निकल आती है कि भाई स्क्रिप्ट है ये, अब इस पे लिखनी है, इसी टाइप का टाइम लगता रहता है। कोई टॉपिक निकल के आता है उसी पे, जैसे अभी जस्ट हम आ रहे थे यहीं आपको इंटरव्यू देने, तो एक टॉपिक ध्यान में आया था तो उस पर लिख दिया थोड़ा सा। मेन फैन फेस्ट के शो केस में गए, हमें नहीं पता था इतनी ऑडियंस आएगी, इतना वो होगा। तो पहले होता है ना एंट्री करते हैं स्टेज पे, स्टेज पे एंट्री करते ही भाई बैरियर तोड़ दिए, ऑडियंस ऊपर तक आ गई, कैंसिल करने की नौबत आ गई कि इनका शो कैंसिल करो, इनको नहीं करवा रहे, हमारे बस की नहीं है। नीचे से गार्ड बुलाए गए, ऊपर सारे गार्ड वहाँ लगाए गए, फिर जाके जैसे जैसे करा, थोड़ा सा उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही हमें, क्योंकि ऑडियंस चीख इतना रही थी। नहीं होता क्या है, कभी कभी आप देखोगे तो लोग कहते हैं जो सेलिब्रिटी होता है स्टेज पे कि चीखो, हम कह रहे थे चुप जाओ यार, चुप जाओ, ओवर हो रहा था सब, मतलब एकदम घातक फैन है अपने। पहले शुरू में तो जैसे ही हम चढ़े थे तो थोड़ा सारा नर्वस फील हो रहा था, टांगे कांप रही थी, बट जैसे जैसे दो चार चीजें हमने बोली वहां पर तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर हमने फाड़ दिया। ऐसा है, गाना अगर किसी गाने में नहीं जाएंगे, खुद का गाना लाएंगे, अपना प्लान कर रहे हैं गाना लाने का, एक फैंस को बता दें कि प्लान कर रहे हैं गाना लाने का। संजय सर का कैरेक्टर एक रियल बेस्ड कैरेक्टर है, तो जो हमारे टीचर थे संजय सर स्कूल में, वो मतलब उनका ऐसे ही था, वो गेटअप जो था उनका, कैप पहनना जैसे जैन कैप पहनता संजय सर बनता, कोट डालता ब्लेजर वगैरह, ऐसे ही थे तो डिट्टो सेम ऐसे, मारते इतना नहीं थे लेकिन बहुत मारते थे, मतलब जैसा हम दिखाते हैं इतना तो नहीं, तारा बना दिया लेकिन बहुत मारते थे, बहुत खौफ, मतलब खौफ था, खौफ था, खौफ था। मेरी एक्ट्रेस तो कैटरीना पसंद थी मेरे को, और अभी भी है, आ जाती है तो कभी कभी एकदम। मेरी दीपिका पादुकोण, बहुत मारे कारण ये सीन पसंद है, कोई शादी थोड़ी कर ली मैंने। अपना क्या है वो विराट कोहली, वो क्या है अनुष्का शर्मा, तेरे को विराट मारेगा? मैं विराट से पिटूंगा। लाइट टारगेट हमारा जो है नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे इतना नहीं है, नेटफ्लिक्स पे पैक खरीदना उसका, और जी प्राइम पे काम करना है। अरे मतलब इसी फील्ड के टारगेट है हम, लाइक मतलब सेक्रेट गेम्स और ये कौन सा है अपना वो मिर्जापुर, इस टाइप की सीरीज करनी, मतलब एक अपनी सीरीज भी बनाने का मन है। फैंस को सबसे ज्यादा है भाई, अगर कुछ हैं तो यही लोग हैं, यही लोग हम जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के पास बैठे हैं, आज इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की बदौलत है। कल इनकी वजह होगी कि नेटफ्लिक्स पे भी जाएंगे, नेटफ्लिक्स जहाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ बहुत प्यार करते हैं अपने फैंस, बहुत ज्यादा, तो हम उनको और ज्यादा करते हैं, तो बोल दो लव यू, बोल दो, लव यू, लव यू सभी फैंस, लव यू गाइस, बहुत ज्यादा प्यार, लव यू मतलब। मुझे लगा इंटरव्यू पर रिएक्ट करना मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप होगा, बट मैं आपको बताऊँ, ये हटके तो था ही, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आई गेस कल या परसों ही राउंड टू हेल ने अपलोड किया था अपने स्टोरी में, आस्क मी क्वेश्चन, कुछ सवाल के जवाब देंगे।
मैंने वो बहुत लेट देखा इंस्टाग्राम पे। अगर मैं शायद जल्दी पूछ लेती क्वेश्चन तो शायद मुझे जवाब मिलता, बट क्योंकि स्टार्टिंग के दो चार लोगों का ही जवाब नॉर्मली मिलता है वहां पे, तो तब मैंने उस पर पूछा था कि आप तीनों क्या बचपन से दोस्त हो, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कब मिले, कैसे, क्या मतलब ऐसी लाइफ में कि कैसा इन्होंने सोचा होगा कि ये राउंड टू हेल वगैरह स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने वो पूछा। एंड उसका जवाब मुझे शायद आज मिल गया, वो बचपन, क्योंकि संजय सर एक स्कूल में, मतलब उसी से पता चला ये लोग एक स्कूल में थे। एंड और एक बार उन्होंने जब कहा था कि हम लोग, फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम शायद अगर हो जाए तो मैं पूछ के देखूंगी, या तो शायद है बचपन से दोस्त। ओके, अब मैं बात करना चाहती हूँ कि उनका जो फंडा, उन्होंने कहा आप कोई भी फील्ड में जाओ उसमें यही होता है कि आपको रिप्लेस करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए, कुछ ऐसा करो, ऐसा ही होता है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया स्टार्टिंग में, जब व्यूज नहीं आते थे, देखो लोगों को हंसने में क्या जाता है, लोग फालतू में आगे कमेंट करेंगे तेरा कौन देखता है, देखो तो सिर्फ चार ही व्यूज है, तेरा तो यही है, तेरा तेरे से अच्छा तो वो है, ये है, वो है, बट दे डोंट नो कि तुम लोग कितने चीजों के थ्रू जा रहे हो, कितना कुछ फेस कर रहे हो अपने लाइफ में या जो कुछ भी। सो दिस इज बेस्ट। एंड मैं बताने चाहती हूँ, उन्होंने कहा एक यूनिक कंटेंट, लाइक मैं आपको बताऊ, फॉर एग्जाम्पल अभी राउंड टू हेल हिट है, ओके तो क्या करेंगे कि जिसको, जिस किसी को भी हिट होना, आई नो आजकल यूट्यूब पे हिट होना थोड़ा सा मुश्किल भी है, मतलब इतना ज्यादा इजीली नहीं मिलता है। मैंने खुद भी स्टार्ट अपने खुद के कंटेंट से किया था ये चैनल, एंड तब बाद में रिएक्शन किया और खुद का कंटेंट के लिए अभी दूसरा है चैनल है मेरा, तो इट्स नॉट दैट इजी कि लोग आपको उस वजह से पसंद करे, ये करे, वो करे, बट यूनिक होना जरूरी है। अब राउंड टू हेल जैसे हिट है तो लोगों को लगता है कि इनका नेम कहीं ना कहीं अगर उनके नेम से रिलेटेड सेम कुछ ऐसा, अगर मैं अपने चैनल का नाम रखूं या कुछ तो शायद मैं चल जाऊं, तो राउंड थ्री हेल रख सकते हैं, राउंड टू समथिंग ऐसा कुछ रख सकते हैं, कुछ ना कुछ इससे आगे पीछे कुछ रखते हैं, मतलब मैं ऐसा बता रही हूं, रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूनिकनेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इन्होंने जो कहा था वो भी ज्यादा सही है, वसीम कितने सारे काम कर चुका है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो टीम के लिए, वो भी बता दिया है उन्होंने। जैन की जो बात मुझे पसंद मतलब उन्होंने कहा पहले हम उनसे बात करते थे लड़कियों से, तब लड़कियां हमको इग्नोर करती थी, अब वो हमसे बात करते हम उनको इग्नोर करते, और इजीली कहीं मॉल में वगैरह जाना, दैट्स ट्रू, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही। जैसे उन्होंने कहा कि फैंस को हमको बोलना पड़ रहा था शांत बैठो शांत बैठो, वो उस वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया है, वो था फैन फेस्ट दिल्ली वाला वीडियो, डेंजरस पर मजा आ गया देख के। और नाजिम तो भाई साहब क्या बोलूं, बहुत हैंडसम लग रहा था, और कुछ ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा ज्यादा सीरियसली आंसर दे रहा था, जैसे ये लाइफ अगर क्या होती है अगर वो लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, उनको नेटफ्लिक्स पे आना है, वाओ ग्रेट ग्रेट। आई गेस बहुत से यूट्यूबर्स, लाइक ऑलमोस्ट बहुत से यूट्यूबर्स है जो इधर से नेटफ्लिक्स पे आए है, एक दो तीन, फिर ये तीन लोगों का सीरीज पता है, तीन चार लोगों का शायद मुझे सीरीज पता है, बाकी के लोगों के नॉर्मल नेटफ्लिक्स के चैनल, मतलब जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज आए, कि यशराज मुकाट उनके उस पर वीडियोज आए है, हर्ष बनेवाल, भुवन बाम, इन लोगों के आशा चित्तानी के इस पे यूट्यूब वाले नेटफ्लिक्स पे आए हैं शॉर्ट वीडियोस, बट नेटफ्लिक्स पे अगर कोई आया तो वो दो चार यूट्यूबर और मुझे पता है, एंड इट्स ग्रेट, तो आई जस्ट लव्ड इट, मोटिवेशनल कुछ। ये था मेरा रिएक्शन ऑन राउंड टू हेल इंटरव्यू बाय दैनिक जागरण। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, और शेयर करो प्लीज, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज बाकी परत मियाले।